अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ याहिया की मम्मा। अच्छा जनाब, आज बन रही हैं रिब्स, ग्रिल रिब्स बना रही हूँ वैसे मैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आया भाई हम लोगों का, तो इस वजह से। अदरवाइज इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए एंड में जिस वक्त मैं इसको ओवन में रखूंगी उस वक्त आप अंडे में डिप करके इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बहुत मजे की बनती है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की या ऑयल का मतलब कोई मसला नहीं हो वो लोग उसको डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं, अदरवाइज हम उसको ग्रिल करेंगे। तो ये तकरीबन वेट में तकरीबन तकरीबन हाफ के जी रिब्स हैं, थोड़ा सा कम होंगी हाफ के जी से। बहरहाल इतना मैंने इसको पानी इसके अंदर ले लिया है क्योंकि पानी मुझे इसका फेंकना नहीं है। जो मैं मसाला डालूंगी वो मैं चाहूंगी कि वो मसाला पूरा पूरा इन रिब्स के अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए, और फिर मैं उसको उसी के अंदर रिब्स को पूरा क्या कहना चाहिए, एक तरह से लपेट लूंगी उस मसाले को, ताकि वो उसके अंदर मसाला पूरे अच्छे से अंदर तक चला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जलाएंगे ना जनाबे अली चूल्हा, अभी फिलहाल फुल किया है, बाद में स्लो कर दूंगी। इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चाय खाने वाला चमचा टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे हम, ये इस तरह से। ठीक है, और अच्छा दूसरी बात यह है कि मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ पैकेट का मसाला। मेरे पास एक चिकन टिक्के का मसाला रखा हुआ था तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ, अदरवाइज जो है वो आप लोग इसमें घर का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इससे पहले मैंने बनाई थी वो मैंने घर के मसाले से बनाई थी। उस घर के मसाले में क्या क्या आप डालेंगे मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। उसमें डालेंगे आप नमक हसबे जायका, पिसी हुई लाल मिर्च, इतने इतनी क्वांटिटी के लिए बता रही हूँ। नमक हसबे जायका डलेगा, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून डलेगी, कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून डलेगी। इसके अलावा डलेगी इसमें 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें और 1/2 टीस्पून सफेद मिर्च, और यही अदरक लहसुन का पेस्ट इतना ही जाएगा। और इसके अलावा थोड़ा सा इसके अंदर मैं भी ऐड कर दूंगी विनेगर और सोया सॉस, वो मैं इस पैकेट के मसाले के साथ भी ऐड करूंगी। अभी मेरे पास पैकेट का मसाला है जैसे मैंने बताया था आपको, तो वो तकरीबन चमचे को ड्राई कर लेती हूँ ना मसाला खराब हो जाएगा सारा। अच्छा ये तकरीबन मैं दो चमचे भर के मैंने डाल दिया थोड़ा सा। ये सब कुछ आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी स्पाइसी कोई चीज चाहिए, लाइक इस तरह की चीजें। और अगर मैं ग्रिल कर रही हूँ तो वो स्पाइसी हो, थोड़ी सी चटपटी हो तो मजेदार लगती हैं। आपको कम डालनी है तो बेशक आप कम डालें हर चीज। और जो वो मसाले मैंने मिर्चें उस चीज में बताई हैं उसमें भी आप कम करना चाहें तो आप कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप उसके अंदर आधा किलो रिब्स के अंदर आप पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बजाय 1/2 टीस्पून कर लें, और कुटी हुई काली मिर्च भी 1/2 टीस्पून कर लें, और हाँ पिसी हुई वाइट जो सफेद मिर्च होती है उसको भी 1/2 से भी कम कर लें, आधे का भी आधा कर लें। तो ये क्वांटिटी आप कर लें तो वो बहुत अच्छा सा मुनासिब सा टेस्ट लगेगा, बल्कि इतनी ही क्वांटिटी डालें, क्योंकि अगर आधा किलो में आप पूरा पूरा डालेंगे तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाए, और वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी सबको पसंद नहीं आती। अच्छा ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं इस पानी में। अब हम इसको अभी थोड़ा सा तेज़ फ्लेम मैंने रखा हुआ है कि इसमें उबाल आ जाए। जब इसमें अच्छे तरीके से उबाल आ जाएगा तो इसको कवर करके हम, यहाँ पर लैम रिब्स आई हैं तो ये बहुत जल्दी गल जाती हैं, लाइक 20-25 मिनट्स में ये गल जाएंगी। और इसको क्योंकि मैंने ओवन में कलर देने के लिए और रखना है 10 मिनट्स के लिए, तो वो भी मैं थोड़ा मार्जिन दूंगी कि इतना हो कि वो उसमें भी थोड़ी सी गल जाएगी। आपको अगर फ्राई करनी है तो आपको कंप्लीट इसको गलाना है, तो वो आप अपने हिसाब से अपना उसका देखेंगे, जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ पर जो गोश्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कुकिंग टाइम सबको अंदाज़ा होता है कि भाई अगर हम मटन ले रहे हैं, बकरे का गोश्त ले रहे हैं जो, या लैम ले रहे हैं या बीफ ले रहे हैं, तो वो कितनी देर में गलता है, तो उस हिसाब से आप उतना ही पानी डालें कि उसमें गल भी जाए और थोड़ा सा जो पानी बचे वो हम उसको उसमें लपेट लें। ठीक है, बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे पानी, जो एंड में इसकी पानी की जो जिसकी सॉस की थोड़ी सी शक्ल होगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा ये ज़रा सा विनेगर के चंद ड्रॉप्स मैं इसके अंदर डालूंगी। विनेगर से होता ये है कि जो थोड़ा बहुत ब्लड होता है गोश्त के अंदर वो इससे चला जाता है और जो एक स्मेल सी होती है वो भी चले जाती है।
सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। जब तक रिब्स गलने में रखी हैं, हमने कहा थोड़े गोलगप्पे इंजॉय करें। गोलगप्पों के अंदर चने डाल के रख दिए हैं, ये उसका पानी है, बहुत यमी सा मज़ेदार सा जो गोलगप्पों का पानी होता है। ये मीठी इमली की चटनी है, और अगर ये सॉस थोड़ा सा एक एक ड्रॉप किसी में डालें तो। जब तक वो गल रही हैं, जब तक हम गोलगप्पे इंजॉय करते हैं, और आपका भी दिल ललचा गया होगा तो अगर आपके पास ये फैसिलिटी है तो प्लीज़ उसको अवेल करें जाके। ये देखें अब, पानी इसका खुश्क होने पर आ गया है, तो मैं इसको तेज़ आंच कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने चेक कर लिया है कि गल भी गया है, तो इसलिए। अच्छा, बिल्कुल इसे खुश्क नहीं करना, थोड़ा थोड़ा चला रही हूँ इसे इस तरह से कि सारी बोटियों के अंदर लग भी जाए जो उसका पानी है अच्छे तरीके से। वैसे तो जाहिर है कि उसी में पका है, लेकिन फिर भी और थोड़ा थोड़ा सा रह जाए, क्योंकि जब हम इसको ग्रिल करने के लिए रखेंगे ना डिश के अंदर, तो ये जो इसका मसाला है ये मैं उसके ऊपर डालूंगी रिब्स के, तो और उसकी वजह से ये होगा कि जब ग्रिल होंगी ना वो, तो वो ड्राई नहीं होंगी। वरना होता ये है नॉर्मली कि जब हम ग्रिल इस पोजीशन में रखते हैं अपनी कोई भी चीज़, चिकन है, लैम है, कोई भी चीज़ है, तो उस वक्त तो बड़ी अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब ग्रिल होके बाहर निकलती है तो बहुत ड्राई हुई हुई होती है। तो आप ये देखें कि अपना ऑयल भी कितना छोड़ रही है। अच्छा, रिब्स का जो ये सारा ऑयल है ना, जो भी ऊपर आएगा इसको मैं फेंक दूंगी। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा फैट्स हैं इसके अंदर, इसका फैट से पिघला है ना ये, मैंने इसमें कोई और तो ऑयल डाला नहीं था, तो ये इतना ज़्यादा, मतलब हमारे लिए तो भाई सीधी बात है कि अच्छा नहीं है, क्योंकि अब वो वाली तो बात नहीं है कि इतना ज़्यादा हम फैट्स से भरा हुआ ऑयल यूज़ करें। तो ये वाला ऑयल जितना भी इसका ऊपर आएगा ये मैं वेस्ट कर दूंगी, और अगर मुझे ऑयल डालना ही हुआ तो मैं नया फ्रेश ऑयल ज़रा सा ऊपर उसके डाल दूंगी ग्रिल में रखते टाइम, ओवन में रखते टाइम, जो कि कोई भी आपका फ्रेश ऑयल होगा, हम लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, और अगर आप जो भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं, सनफ्लावर कर रहे हैं, वेजिटेबल कर रहे हैं, जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये देखें इतना ज़्यादा, बस इस स्टेज के ऊपर मैं चूल्हा इसका बंद कर दूंगी, और ये जो इसका इजाफी ये सारा ऑयल आपको नज़र आ रहा है, ये ऑयल फेंक के ये मसाला मैं रहने दूंगी। अच्छा, ये देखें रिब्स जो हैं वो मसाला लगी हुई, मैंने सारी इस डिश में रख दी हैं, और वो जो मसाला था वो सब इस रिब्स पे अच्छे तरीके से फैला दिया है, और ऊपर से हल्का हल्का एक चमचे में ऑयल लेकर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इस तरह से ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं आप, और चमचे से भी इस तरह से भी डाल सकते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़े तो जब ये इनको पलटेंगे तो तब भी थोड़ा थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दिएगा, और अगर नहीं ज़रूरत पड़े तो नहीं करेंगे। बस अब इनको हम प्री हीटेड ओवन में 5 to 10 मिनट्स के लिए रखेंगे, सिर्फ अच्छा सा एक कलर आने के लिए। ये देखें, ये मैंने अभी अभी 1 सेकंड पहले ओवन में से डिश निकाली है, तो ये देखें आप ये कलर इसका देखें, इतना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन बिल्कुल कलर आया, सिका सिका, बस यही हमें कलर चाहिए इसका, वरना अगर हम और ज़्यादा करेंगे तो ये काली होना शुरू हो जाती है फिर साइडों से ना। अब इसके अंदर आप चाहें तो इसको कोयले की स्टीम भी दे सकते हैं, तो एक बारबेक्यू का जैसे थोड़ा टेस्ट आ जाएगा, और इसको रायता के साथ, सलाद के साथ सर्व करें, चाहें तो इसके साथ राइस बना लें, या पराठे बना लें, या ऐसे ही रूखी खा लें, इट्स अप टू यू। तो चलें देखें, अल्लाह करे आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और चैनल को, या कैसे बोलते हो चैनल को सब्सक्राइब करें, इधर आओ, इधर आके बोलिए या सबको बोले, जोर से प्लीज सब्सक्राइब टू बेल बटन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। अच्छा, ओके, सब्सक्राइब टू बेल बटन, चले भाई आइया ने भी बोल दिया है, तो अब अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।